यूक्रेन में बमबारी और हमलों के बीच हजारों भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं और वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच एक छात्रा का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह मदद की गुहार लगा रही है। इस वीडियो को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी शेयर किया है। इस वीडियो में छात्रा कहती नजर आ रही है, जय हिंद जय भारत, कृपया हमारी मदद करें। रूस की सेना का यूक्रेन में कोहराम जारी है। भारतीय छात्रों को रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के जरिए बसों से यूक्रेन बॉर्डर से बाहर निकाला जा रहा है। वहां से इंडिया की फ्लाइट के जरिए उन्हें घर लाने की कवायद की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली गरिमा मिश्रा का दावा है कि कोई मदद के लिए उनकी गुहार का जवाब नहीं दे रहा। उन्होंने कहा, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, कोई मदद नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कि मदद मिल पाएगी या फिर नहीं। उन्होंने कहा, जहां हम रह रहे हैं लोग आते हैं वे गड़बड़ी करते हैं और अंदर आने की कोशिश करते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। गरिमा ने कहा, हमें बताया गया कि बस के जरिए बॉर्डर तक गए हमारे कुछ दोस्तों को रूस के सैनिकों ने रोक लिया है। उन्होंने छात्रों पर गोलीबारी की और लड़कियों को उठा लिया। हमें नहीं पता कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ। आंखों में आंसू और हाथ जोड़कर गरिमा ने कहा, ये हम फिल्मों में देखा करते थे, हमें लगा कि हमें बचा लिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। किसी को हवा के रास्ते हमारी मदद भेजनी चाहिए और भारतीय सेना को भेजिए, वरना मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से कहीं जा पाएंगे। हम इस जगह पर सुरक्षित नहीं है। युद्ध से जुड़ी हर जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।